सीरियली रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है इंटरेस्टिंग मोड, जहां फाइनली नरेनाद अपने ही जाल में फंस जाते हैं और पुलिस करती है उन्हें गिरफ्तार, अपने ही बेटे पर गोली चलवाने और सीरत को झूठे केस में फंसाने के आरोप में। जी हाँ, एक तरफ जहां सीरत गोयनका हाउस को छोड़कर चली जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक नरेंद्रनाथ के पास पहुंचता है और उसके सामने करता है ड्रामा कि सीरत ने उसके साथ भी किया है धोखा और इसीलिए वो सीरत से बदला लेना चाहता है। कार्तिक नरेंद्रनाथ से मदद के लिए गुहार भी करता है, जिसे देखकर नरेंद्रनाथ पिघल जाता है और वो कार्तिक के सामने ही उगल देता है सारी सच्चाई कि कैसे उसने ही सीरत पर चलवाई थी गोली, जो गलती से उसके बेटे को लग गई और उसी गोली की जहर की वजह से उसके बेटे की मौत हो गई। इतना सच सामने आते ही कार्तिक नरेंद्रनाथ को बताता है कि उसने कहा था कि 7 दिन के अंदर सारी सच्चाई सामने आएगा और ऐसा ही हुआ। कार्तिक की बिछाई हुई जाल में फाइनली नरेंद्रनाथ फंस जाता है और सारी सच्चाई उगल देता है, जिसे कार्तिक ने सब रिकॉर्ड भी कर लिया, जिसके बाद पुलिस भी पहुंची और नरेंद्रनाथ को गिरफ्तार भी कर लिया और फाइनली सीरत बेगुनाह साबित हो गई। लेकिन सीरियल की कहानी में आएगा फिर बड़ा ट्विस्ट, जब कार्तिक के डैड यानी मनीष को पता चलेगा कि कार्तिक और सीरत की नहीं हुई है शादी। ये सुनकर मनीष हो जाएंगे शॉक। अब क्या होगा कार्तिक के परिवार वालों का रिएक्शन ये सच्चाई जानने के बाद, और कार्तिक और सीरत कैसे हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को, ये देखना दिलचस्प होगा।